सर, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2012 में भी आप चुनाव मैदान में थे, आप 2022 में भी हैं, तो ऐसे प्रभावशाली विधायक जो क्या किस तरह से लड़ेंगे चुनाव, चूंकि सत्ता में आप हैं लेकिन वहाँ के विधायक बहुत मजबूत अपने आप को समझ रहे हैं? ये बताइए, मजबूत पैसे से जी, मुर्गा मछली खिलाने में मजबूत है जी, जनता से थोड़े मजबूत है। उमा शंकर सिंह से टक्कर लेने के लिए कोई कौन सा सत्ता हथकंडा अपना, अपना भी कुछ हथकंडा पार्टी चुनाव लड़ रही है भाई, मोदी जी जोगी जी से बड़े नहीं ना उमा शंकर सिंह जी। जी जी, तो मतलब 2012 का बदला लेंगे आप? क्यों 2012 का बदला लेंगे जिस तरह चुनाव? बदला क्या लेना है, चुनाव लड़ा पार्टी लड़ा रही है, चुनाव पार्टी लड़ रही है जी। तो 2022 में खास तौर पर रसड़ा विधानसभा जो संकल्प लिया था प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमल खिलाने का, उस संकल्प को आप मजबूती से? एकदम मजबूती से प्रयास चल रहा है को कमल खिल जाए इस बार। अच्छा, तो क्या वो होगा, प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के विकास के लिए? प्राथमिकता में मेन तो जो चीनी मिले बंद हैं जी, उसके लिए सरकार बीजेपी की बंद नहीं है जी, तो उसमें प्रयास किया जाएगा कि कटाई मिल और चीनी मिल जो बंद पड़ी हैं वो जैसे अन्य जगहों पर चालू हुई हैं, रसड़ा की भी ये मिलें चालू हों जी। और दूसरा सवाल ये है कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में चूंकि आप सांसद भी रहे हैं सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो आप रसड़ा विधानसभा क्षेत्र को नया मानते हैं या फिर पहले से मजे मजा है वहाँ के लिए रसड़ा विधानसभा क्षेत्र को? नहीं, पहले से भी वहाँ रहे हैं, गांव गांव का देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, गांव में लोगों से संपर्क रहा है पहले से। 12 से 17 के बीच तो जहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं दिखे यार, 12 से 17 के बीच चुनाव में नहीं दिखे ना, वैसे लोगों के बीच में आना जाना तो था ही जी जी। तो खास तौर जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे के मैदान में उतारा है, तो उसके लिए प्राथमिकता आपने बताया कि रसड़ा चीनी मिल, और भी कुछ मुद्दे हैं? और भी मुद्दे हैं जो अभी तैयार हो, माने मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लिए जी, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रसड़ा बीच में है जिले के, बलिया तो जिला पर हॉस्पिटल ही है, तो मेडिकल कॉलेज रसड़ा में ही स्थापित हो जी। तो आप राजनीति में कब से आए, किस सन से? 1984 से आए राजनीति में और निरंतर चलते रहे। इस बीच लोकसभा में आप कब गए जीत के चुनाव? 1999 में लोकसभा चुनाव जीत गए, फिर उसके बाद संघर्ष चलता रहा, और फिर इसके बाद आप 2022 में भारतीय जनता पार्टी से आप यहाँ मैदान में हैं। तो प्राथमिकताओं पे आपने कहा कि चीनी मिल, मेडिकल कॉलेज, ये सब रहेंगे, तो कै सेट में आज नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं आप? दो सेट में। कौन कौन प्रस्तावक हैं आपके साथ? प्रस्तावक हैं एक संजय जायसवाल जी और एक अजीत भारद्वाज जी, दो लोग हैं। तो अब मैदान में नामांकन के बाद पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगना है? 10 दिन से लगे हुए हैं जी, क्षेत्र में लगे हुए हैं। चलो ना, आपका दावा है कि खास तौर पे जो क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह के सामने जो है हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और सत्ता लड़ी रही है लेकिन हम भी मजबूती से लड़ेंगे। ठीक सर, बात